हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल शर्मा राहुल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आपको पता है आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन होने वाले हैं, 27 तारीख से आपके ऑनलाइन एग्ज़ाम हैं, तो उसके लिए आपको मैं 60 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि 60 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखना और इन क्वेश्चनों को, क्योंकि आपको मैंने ये जो टॉपिक है पूरा टॉपिक करा दिया है, उसके बाद ये जो MCQ क्वेश्चन होते हैं इनको आप आसानी से कर सकते हो। तो आप साथ के साथ देखना आप पे कितने क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते हैं तो उसमें क्या गलती है, क्या कौन सा आपने टॉपिक नहीं पढ़ा है, कौन सा टॉपिक पढ़ लिया है, उस पर अच्छी तरह से ध्यान देना है। तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी को इंग्लैंड में कहा जाता है। यानी आपने संयुक्त पूंजी कंपनी को पढ़ा था, तो संयुक्त पूंजी कंपनी को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन दे रखे हैं, लिमिटेड कंपनी कहा जाता है, गलत, स्टॉक कंपनी कहा जाता है, इसको बाद में देखेंगे, निगम कहा जाता है, कॉरपोरेशन कहा जाता है, ये गलत है, और सोसाइटी एनिम कहा जाता है, ये भी गलत है। तो आंसर क्या है? स्टॉक कंपनी। आपको मैंने अच्छे तरह से बताया था, आपको ध्यान भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक है कंपनी है। कंपनी क्या है? एक संजीव व्यक्ति है, एक निर्जीव व्यक्ति है, एक कृत्रिम व्यक्ति है, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है क्या? एक कृत्रिम व्यक्ति। एक कृत्रिम व्यक्ति का मतलब होता है आर्टिफिशियल पर्सन। ना तो इसे आप देख सकते हो, ना ही इसे छू सकते हो, केवल क्या एक एज्यूम कर सकते हो, महसूस कर सकते हो कि ये एक कंपनी है। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, इसे एक आर्टिफिशियल कंपनी कहते हैं या एक कृत्रिम व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, क्लियर। थर्ड क्वेश्चन देखो, कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसका निर्माण विधान के द्वारा किया जाता है, भगवान द्वारा किया जाता है, ये तो गलत है, व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, ये भी गलत है, प्रकृति द्वारा, नेचर से द्वारा किया जाता है, तो ये तीन ऑप्शन गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा? विधान के द्वारा किया जाता है। ये आपको पता है ना, तो भगवान किसी कंपनी का निर्माण करेगा ना, कोई व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा और ना ही किसी प्रकृति द्वारा किया जाएगा, तो विधान के द्वारा किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है। क्लियर। फोर क्वेश्चन देखो, पृथक अस्तित्व एक प्रभेदक विशेषता है। यानी पृथक अस्तित्व का मतलब होता है अलग अलग अस्तित्व एक प्रभेदक विशेषता है। तो देखो, इसका आंसर है साझेदारी संगठन की, एकल व्यापार की, कंपनी संगठन की, या ये सभी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंपनी संगठन की, क्योंकि हम कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, तो ना तो साझेदारी है, क्योंकि हमने साझेदारी का पूरा टॉपिक पढ़ा था, एकल का पढ़ा था, तो हमने ये बातें नहीं पढ़ी थी, तो इसकी विशेषता क्या है? कंपनी संगठन की। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, स्वामियों का दायित्व सीमित होता है। अब आपको मैंने बताया था जो इसकी विशेषताएं थी, उसमें ही बताए थे जो कंपनी के स्वामी होते हैं उनके दायित्व कैसे होते हैं, सीमित होते हैं। तो एकल व्यापार भी गलत, साझेदारी भी गलत, तो क्या जाएगा इसका भी? कंपनी संगठन। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, कंपनी में सदस्यों का दायित्व सदस्यों द्वारा किए गए आश्वासन तक सीमित रहता है। कंपनी के सदस्यों का दायित्व सदस्यों द्वारा किए गए आश्वासन तक ही सीमित रहता है, ना तो अंश सीमित है, ना ही सीमित है, तो क्या आ जाएगा? प्रत्याभूति सीमित। ठीक है, इसको भी याद रखना आप। क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी कंपनी की अंश पूंजी का 51% तक का भार सरकार द्वारा धारित किया होता है तो वो कंपनी कहलाती है। ये मैंने आपको बताया था, जो सरकारी कंपनी होती है उसमें 51% किसका भाग होता है? सरकार का भाग होता है, और 49% किसका होता है? जो अदर जो प्राइवेट क्षेत्र होता है उसका होता है। तो ऐसी कंपनी को हम क्या कहते हैं? सरकारी कंपनी कहते हैं, जिसमें अंश पूंजी का 51% भाग सरकार द्वारा लगाया जाता है या धारित किया जाता है, ऐसी कंपनी को हम कहते हैं सरकारी कंपनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 8, कंपनी को अपने नाम के अंत में केवल लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य होता है, ऐसी कौन सी कंपनी होती है? तो उस कंपनी को कहते हैं हम सार्वजनिक कंपनी। ना तो निजी कंपनी होती है, सार्वजनिक कंपनी के बारे में मैंने अच्छे से आपको बताया था, इसमें मिनिमम
तो सार्वजनिक कंपनी के आगे जो वर्ड लगाया जाता है, देखो भी होगा आपने, जो प्राइवेट कंपनी होती है उनका तो खाली प्राइवेट लिखा होता है, लेकिन जो लिमिटेड कंपनी होती है, जो सार्वजनिक कंपनी होती है, उनके बाद में क्या लिखा शब्द होता है, लिमिटेड शब्द लिखा हुआ होता है। तो ऐसी जो कंपनी होती है उनको हम क्या कहते हैं, सार्वजनिक कंपनी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है एकल व्यापार में, साझेदारी में, संयुक्त स्कंद कंपनी में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका कंपनी, इसका आंसर क्या है, संयुक्त स्कंद कंपनी। क्लियर। ये आपको अच्छे से मैंने आपको टॉपिक करा दिया है, केवल मैं एमसीक्यू जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के, केवल मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। चैप्टर कौन सा है, संयुक्त पूंजी कंपनी। तो आगे देखो क्वेश्चन नंबर 10, निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है, ये आपको पता है, आप ही बताओ एक बार निजी कंपनी में कितने व्यक्ति होते हैं, अधिकतम संख्या कितनी होती है, न्यूनतम भी बताओ न्यूनतम कितनी होती है, वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारियों को छोड़कर कितनी होती है, 200 संख्या होती है अधिकतम संख्या, मिनिमम संख्या कितनी होती है, 2, कम से भी कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 200 व्यक्ति होने चाहिए। कौन सी कंपनी में, निजी कंपनी में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 11, प्रय विवरण निर्गमित करना आवश्यक नहीं है। प्रय विवरण जो होता है निर्गमित करना, प्रोस्पेक्टस जो है वो निर्गमित करना आवश्यक नहीं है। कौन सी कंपनी को आवश्यक नहीं है, निजी कंपनी को आवश्यक नहीं है। सार्वजनिक कंपनी करेगी, साझेदारी करेगी, लेकिन निजी कंपनी जो होती है इसको कोई भी अनिवार्यता या आवश्यक इसके लिए नहीं होता है प्रय विवरण को जारी करना। क्लियर। आगे देखो, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या होनी चाहिए। जो सार्वजनिक कंपनी होती है उसमें अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, कोई सीमा नहीं है, यानी सार्वजनिक कंपनी में अधिकतम नंबर की लिमिट नहीं होती है, और मिनिमम नंबर यानी कम से कम नंबर, न्यूनतम नंबर कितने होने चाहिए, 7, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, कोई लिमिट नहीं है। निजी में आपको पता है निजी में कितने, कम से कम 2, और अधिक से अधिक कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13, एक व्यक्ति कंपनी में संचालकों की अधिकतम संख्या हो सकती है, यानी एक संचालकों की अधिकतम संख्या कितनी होती है कंपनी में, 15, 1, 5, 10 और 15, तो कितनी होती है, 15 होती है, यानी 15 होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कुणाल एक्स वाई जेड कंपनी में अंशधारी है, उसके पास कंपनी में 400 अंश हैं जिनका अंकित मूल्य 10 है, कुणाल प्रति अंश 7 का भुगतान कर सकता है, कुणाल का दायित्व सीमित होता है। तो आपको पता है 10 का शेयर था, और कुणाल प्रति अंश कितने का भुगतान कर रहा है, 7 का, तो बचे कितने, अंकित मूल्य 10 का था और 7, तो 3 बचे, तो 400 में अगर 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका कुणाल का दायित्व सीमित कितना आ जाएगा, 1200, 4 × 3 = 12, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्लियर। और लास्ट क्वेश्चन है, संयुक्त पूंजी कंपनी का पंजीकरण होता है, यानी संयुक्त पूंजी जो कंपनी होती है उसका पंजीकरण करना अनिवार्य होता है, ऐच्छिक नहीं होता, अनावश्यक नहीं होता, इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनिवार्य है। संयुक्त पूंजी कंपनी जो होती है उसका रजिस्ट्रेशन करवाना आपको अनिवार्य पड़ता है। तो इसी वीडियो में हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में क्या अंतर होता है उसके बारे में भी एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो MCQ ऐसे ही बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। आपको पता है 15 MCQ आने वाले हैं, उसकी आप तैयारी विधिवत करते रहें। तो देखो, निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी में कोई दो अंतर बताओ। देखो, सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर, निजी कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है, 2, और अधिकतम संख्या 200 होती है। आपने देखे MCQ के अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए थे, बहुविकल पे बहुत सारे क्वेश्चन देखे थे, तो इन्हीं टॉपिकों से बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हैं, तो इनको एक बार हम देख लेते हैं इनमें क्या क्या अंतर होते हैं, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या 7 और अधिकतम संख्या पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है। जो न्यूनतम संख्या होती है 7 होती है, और अधिकतम संख्या जो होती है उस पर
कोई भी प्रतिबंध नहीं होता है, यानी कितने भी व्यक्ति आ सकते हैं। व्यापार का प्रारंभ, निजी कंपनी में समामेलन का प्रमाण पत्र प्राप्त होते ही व्यापार को प्रारंभ कर दिया जाता है। सार्वजनिक कंपनी में व्यापार को प्रारंभ करने के प्रमाण पत्र के प्राप्त होने के पश्चात ही व्यापार प्रारंभ किया जाता है। क्लियर, तो ये इसके डिफरेंस है, तो इनको भी आप अच्छे से कर लेना। बाकी के जो MCQ हैं जो मैंने आपको बताया 60 क्वेश्चन आने वाले हैं, वो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।